आज मैं रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ लेमनेड या लेमन जूस। लेफ्ट साइड पे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। उसके बगैर आपको मेरी न्यू रेसिपीज नहीं मिलेंगी, उसे दबाना ज़रूरी है और ये फ्री है। आए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप चीनी और 1 कप पानी, दोनों बराबर की क्वांटिटी है। और इसके बाद इसमें देखें, एक नींबू लेंगे और नींबू का जो छिलका है वो हम इस तरीके से करके डाल देंगे। इससे जो है ओरिजिनल एसेंस और कलर आएगा। हम पूरे एक नींबू का करेंगे। ये मैंने डाल दिया है इसमें और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम पका लेते हैं। देखिए, हम इसे इतना पकाएंगे कि इसके चीनी का दाना जो है वो खत्म हो जाए और जो है वो हल्का सा उबाल आने लगे। और डाल के अब इसे मिक्स कर लेते हैं। चीनी मेल्ट हो गई और बबल्स आ रहे हैं। अब जो है हम इसे छान लेते हैं। मैंने इसे छान लिया है और ये देखिए इसका फाइबर है वो रह गया है। और देखिए कितना अच्छा जो है कलर आया है। और देखिए हमें कोई नकली चीज इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी, ओरिजिनल से ही हमारा जो है वो आइसेंस भी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो दोनों चीजें आ गई हैं। अब जो है इसे हम ठंडा करेंगे, हम छोड़ देते हैं। अब ये ठंडा हो गया और अब इसके अंदर हम नींबू डालेंगे 1/2 कप। देखिए गर्म में नहीं डालेंगे कभी भी नींबू, अगर से आपने नींबू डाल दिया गर्म गर्म में तो वो नींबू कड़वा हो जाएगा, इसलिए हमेशा जो है वो ठंडा होने के बाद ही आप इसमें नींबू ऐड करेंगे। अब इसे हमने मिक्स कर लिया है और इसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। मैंने 4 टेबल स्पून इसमें डाले हैं और इसमें पानी डाल देते हैं। और दाल के इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपकी हेल्प की वजह से ये बता रही हूँ, क्योंकि ये अच्छी खासी क्वांटिटी में बनता है, इसलिए इसे किस तरीके से इस बात तक आप जो है इसे पी सकें, एक दफ़ा बना लें और हफ्ते भर ये आराम से आप इसे पी सकते हैं। तो इसे इस तरीके से आप जो है किसी भी आइस क्यूब ट्रे में डाल दें और जमा लें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि कोई छोटी थैलियाँ ले लें और उसके अंदर डाल दें और उसे जो है फ्रीज कर लें, तो ये आपकी मर्जी है। अब देखिए ये फ्रीज हो गई है और इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से जैसे आइस क्यूब निकल आते हैं, ये ऐसे नहीं निकलेंगी क्योंकि इसके अंदर चीनी ज़्यादा है, मिकदार में है, तो ये जमेगी भी इतनी हार्ड नहीं। लेकिन ये है कि इस तरीके से आप हाथ से निकालेंगे तो निकल आएंगी, और अगर से आप थैली में जमाएं तो भी ये सही रहेंगी बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल बर्फ़ की तरह हार्ड नहीं होगी ये। इस तरीके से निकाल लेती हूँ मैं सारे। और डालने के बाद इसे मैं थैली में डाल देती हूँ और डाल के हम इस तरीके से कर देंगे। और अगर हमें जब भी ज़रूरत होगी पीने की तो हम 2 क्यूब्स लेंगे। हम चमचे चला लेते हैं और हमारा रेडी हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बहुत इजी मेथड है आपकी हेल्प की वजह से, कि आप किस तरीके से रखेंगे मैंने आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी कोई इजी वीडियोस देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।